मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सबसे पहले मैं आपको इस नए सीज़न की, जिसको आमद का महीना कहते हैं, उसकी मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि खुदा यीशु मसीह के आने की खुशी में हम उसकी ना सिर्फ खुशियां मनाने के लिए तैयारी करें, बल्कि रूहानी और जिस्मानी तौर से पूरे तौर से तैयार हों। इसलिए इस सीज़न में हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि खुदा हमें अपनी उस आमदसानी के लिए तैयार करें। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, वो जो पिछली दफ़ा हमने वॉवल्स पढ़े थे, उनमें से एक वॉवल है जिसको कहते हैं साइलेंट वॉवल। ये साइलेंट वॉवल, जिसको इब्रानी में शिवा कहते हैं और उर्दू में ये साइलेंट वॉवल साकिन कहलाता है, और ये जिस पर लगा होता है वहाँ पे हर्फ की आवाज़ जो है वो पूरी नहीं बोली जाती, बल्कि सिर्फ पहला साउंड बोला जाता है। उसकी जो वोकल साउंड है सिर्फ वो शुरू वाली बोली जाती है। तो फोनिक तरीके में हम देखते हैं बे, बे या बी का जो साउंड है वो है ब। जब ये शिवा यानी ये दो लाइनें, दो नुक्ते किसी भी लेटर के नीचे आप देखेंगे, तो वो लेटर पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वो आधी आवाज आएगी, पहला साउंड यह ब। अगर ये वाव के नीचे लगा तो ये व, अगर यौद के नीचे लगा है तो ये य। तो इन तीन मिसालें आपके सामने हैं कि ये ब, ये व और ये य। अब हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, देखें कि आप इस लफ्ज की कैसी आवाज आती है। ब रे शीत, ब रे शीत, इसका मतलब क्या है? इब्तिदा में, बरशीत इब्तिदा में। दूसरा लफ्ज वाव, नीचे शिवा लगा हुआ, दोनों के लगे हुए ऊपर नीचे की तरफ, तो ये पढ़ा जाएगा व। इस व का मतलब है कि ये और के लिए ले रहे हैं। उर्दू में भी हम वा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिस मो जा, जो वाव लगा हुआ है, मुल्क को कौम वाव लगा हुआ है, तो इसका मतलब और के है। तो यहाँ पर भी वाव जो है और के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एंड और व। व का मतलब है और, खोशक खोशक, ये जो खोशक है ये आप देख रहे हैं कि खेत है, ये ऊपर नुक्ता है, ये खोलम का काम कर रहा है खो, और ये शीन है, शीन के नीचे सिगोल है, ई की आवाज देगा, और ये काफ की फाइनल फॉर्म है, ये काफ की फाइनल फॉर्म, और ये बने नुक्ता नहीं इसमें, तो ये बनेगा ख, तो ये बन गया खोशक खोशक। खोशक का मतलब अंधेरा, और अंधेरा, और अंधेरा मतलब एंड द डार्कनेस, यानी खुदा ने इब्तिदा में जो रोशनी बनाई थी अंधेरे में से बनाई थी, तो वहां पे लिखा हुआ है वह खोश, खुदा ने अंधेरे को भी बनाया और उसमें से रोशनी को अलग किया। तो यहाँ पर खोशिक में वाव का इस्तेमाल हुआ, वह खोशिक, इसको अलग से बोलना। इसी तरीके से तीसरी मिसाल है य, य के नीचे शिवा लगा हुआ, तो इसका मतलब है य। ये देखें, मशहूर लफ्ज है, हम उर्दू इंग्लिश में अक्सर बोलते हैं और इसके भी बहुत सारे गीत हैं, य ह व, य ह व, य ह व, य ह व। तो ये य ह व में नीचे दो नुक्ते की वजह से शिवा लगा हुआ, तो ये यौद नहीं पढ़ा जा रहा, य य ह व, य ह व। तो ये आपके उर्दू में य ह व
मौजूद है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज होंगे जिसमें हम शिवा का इस्तेमाल करेंगे, और ये अगर बीच में भी कहीं पे आता है तो हमें वहां पे रुकना है, वो साउंड आधा पड़ा जाएगा, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेसन में। नाज़रीन, आज हमने इन सारे वोवल्स को पढ़ा जो हम पिछले असबाक में दो लेसन में पढ़ चुके हैं। वो 10 वोवल के बाद ये वोवल जो है ये साइलेंट वोवल कहलाते हैं या साकिन कहलाते हैं, और जिस लेटर के नीचे भी ये शिवा आएगा वो पूरी आवाज नहीं आएगी, तो उसको हमें आधा यानी पहली साउंड जो है सिर्फ वो पढ़ना होगा। इस तरीके से जिस भी लफ्ज़ के नीचे चाहे वो बीच में कहीं आता है तो हमें उस पर रोकना होगा, वो अलग से बोला जाएगा। नाज़रीन, आपने अब तक जो वोवल्स पढ़े हैं बराए मेहरबानी शुरू से लेकर उनकी आवाज़ों को तरतीब पर आप पढ़ें ताकि आपको वो वोवल्स जो अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और जब आप लफ्ज़ को पढ़ें इनके अंदर देखिए बहुत सारे वोवल्स जो आप पढ़ चुके हैं वही हैं, आज तक हमने जितने भी वोवल पढ़े हैं इनमें मौजूद हैं, कुछ और भी हम लफ्ज़ देखेंगे उनमें वही वोवल्स जो रिपीट किए जाएंगे, बार बार वही रिपीट होंगे। अगर आपको वो वोवल याद है और अल्फाबेट्स याद है और बगत कफत वाले यानी डॉट की वजह से जो साउंड बनते हैं वो अगर आपको याद है तो ये आपके लिए रीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले लेसन में, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।